हाय गाइस, मैं अजय कंबोज और आज हम बात करेंगे अपने कमेंट के बारे में। कमेंट कुछ इस तरह है, सर मैं जानना चाहता हूँ कि पीसीडी फ्रेंचाइजी को कैसे सक्सेसफुल बनाए। मार्केट में मैक्सिमम डॉक्टर पीसीडी कंपनी को अवॉइड करते हैं और केमिस्ट हाई डिस्काउंट और स्कीम मांगता है, इसका सलूशन क्या है? तो सबसे पहले तो हम उस सबसे बड़ी गलती के बारे में डिस्कस करते हैं जो मोस्टली जब भी हम पीसीडी फ्रेंचाइजी के बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले जो गलती करते हैं। एक्चुअली क्या है कि ज्यादातर बंदे क्या करते हैं कि जब भी वो किसी कंपनी की पीसीडी फ्रेंचाइजी लेके आते हैं तो वो डॉक्टर को ये सब करते हैं कि उन्होंने अपना काम शुरू किया है, उन्होंने किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ली है। क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमें ये दिखाना है कि हमने अपना काम शुरू किया है, हम ओनर है, हम डिस्ट्रीब्यूटर है, हमने अपने डिस्ट्रीब्यूशनशिप शुरू करी है, और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। एक्चुअली क्या है कि स्टार्टिंग में आपको किसी को ये ना दिखा के कि आपने खुद का काम शुरू किया है या आपने खुद की डिस्ट्रीब्यूशन ली है। अगर आप ये दिखाएंगे कि आपने वो कंपनी ज्वाइन करी है, आपने एज ए मेडिकल रैप या एरिया मैनेजर उस कंपनी को ज्वाइन किया है और आप उस कंपनी के साथ काम कर रहे हो, तो आपको ये दिखाने की जरूरत ही नहीं है कि आपने किसी पीसीडी फ्रेंचाइजी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो। तो क्योंकि अगर आप उनको बताएंगे कि आपने खुद का काम शुरू किया है तो आज के टाइम में हर किसी को ब्रेड पता होते हैं, केमिस्ट तक को ये पता होता है कि कोई मॉलिक्यूल मैन्युफैक्चरिंग किस रेट में होता है, क्योंकि इतने ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो खुद के मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड भी बनवा रहे होते हैं, हॉस्पिटल्स खुद के मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड बनवा रहे होते हैं थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पे, तो रेट तो सबको पता होते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही बताएंगे कि आपने खुद का काम शुरू किया है, फ्रेंचाइजी ली किसी कंपनी की, फ्रीसीडी ली है, तो चांसेस है कि वो आपसे मैक्सिमम से मैक्सिमम वहां पर डिस्काउंट लेने की, मैक्सिमम स्कीम लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप बताएंगे कि आपने उस कंपनी को भी ज्वाइन किया है, एज ए मेडिकल रैप आप उसमें काम कर रहे हो, तो वहां पे उनकी सोच थोड़ी सी बदल जाएंगी, फिर वो आपको उसी तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह वो आपको पहले ट्रीट कर रहे थे जब आप किसी कंपनी में जॉब करते थे। जब तक आप अपना काम स्टेबल नहीं कर लेते तब तक आपको किसी को डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहिए कि आपका ये काम है और आपने ये काम शुरू किया है। अगर आप एज ए एम्प्लॉई काम कर रहे हैं और यही सोच के आप माइंड सेट भी वैसा ही बना लीजिए कि आप एज ए एम्प्लॉई काम कर रहे हैं और पर्टिकुलरली हर चीज को एक सेटअप में तैयार कर लीजिए, जिस तरह आप कंपनी में काम कर रहे थे, जो स्कीम उनकी आ रही थी, जो स्ट्रक्चर उनका आ रहा था, जिस तरह वो काम कर रहे थे, बिल्कुल हर स्ट्रक्चर, हर स्कीम, हर ऑफर, हर रेट उसी तरह से तैयार कर लीजिए और उसी तरह से काम करिए जैसे आप जॉब में कर रहे थे, तो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होगा। क्योंकि जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मैंने जो अपने विजिटिंग कार्ड भी बनवाए थे वो भी मार्केटिंग मैनेजर ही बनवाए थे, जनरल मैनेजर ही बनाए थे मैंने। मेरे बिजनेस के सक्सेसफुल होने के बहुत साल तक मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये नहीं पता था कि मैं ही कंपनी का ओनर हूँ। तो आपको ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि आप लोगों को ये बताओ कि अपना काम शुरू किया है, आप उस बिजनेस के ओनर हो। अगर आप पीसीडी फ्रेंचाइजी भी करते हो तो एक तरह से आप उस एरिया में उस कंपनी के एज ए ओनर ही काम करते हो, तो आपको ये बताने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आपको बिल्कुल उस एथिकल वे में ही काम करना चाहिए। क्योंकि देखो क्या है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अगर हम लगाते हैं तो सबको पता है कि हर कंपनी का मॉलिक्यूल एक ही रेट पे तैयार होता है, ये तो सबका मार्केटिंग स्टाइल होता है कि भी कोई उसको खुद के सेल्स टीम रख के काम करता है, कुछ उसको जेनरिक में उतार देते हैं, कुछ उसको पीसीडी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करके करते हैं, तो क्वालिटी वाइज ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो वो आपके सिर्फ काम करने का तरीका है, आप जिस तरह की मार्केट सेट करना चाहते हो उस तरह की अगर आप मार्केट सेट करना चाहते हो तो आपको उसी तरह काम करना पड़ेगा। अगर आप एक खुद की सेल्स टीम वाली कंपनी की तरह काम करना चाहते हो तो आपको वही सारा स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। आपको मार्केट में बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करना है कि आप किसी कंपनी की पीसीडी फ्रेंचाइजी में काम करते हो, आप यही शो करिए कि आप उसमें जॉब करते हो। जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक बिजनेस को सक्सेसफुल होने में थोड़ा टाइम लगता है, मार्केट में ट्रस्ट क्रिएट होने में टाइम लगता है, और डॉक्टर, हर डॉक्टर यही चाहेगा कि उस किसी मेडिसिन को वो अपने पेशेंट को देने से पहले वो ये जांच ले कि उस मेडिसिन की एफिकेसी भी है या नहीं है। तो थोड़ा सा आप वर्क करेंगे, थोड़ा सा आप जोर लगाएंगे और आपकी मेडिसिन के अगर अच्छे रिजल्ट होंगे तो थोड़े टाइम बाद आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन कभी भी, सबसे पहला तो आप कभी भी डिस्क्लोज मत करिए कि आप किसी पीसीडी फ्रेंचाइजी का काम कर रहे हो, आप एज ए एम्प्लॉई शो करिए। और दूसरा, मेहनत करिए, एक स्ट्रक्चर तैयार करिए सारी चीज करने का, और रेगुलर विजिट करिए और थोड़ा सा ट्रस्ट क्रिएट करिए ताकि मेडिकल कम्युनिटी को थोड़ा विश्वास हो कि आपके प्रोडक्ट के अच्छे रिजल्ट है। देखिए, हर चीज रिजल्ट पर डिपेंड करती है, अगर आपके प्रोडक्ट के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो जब आपका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा तब चाहे उनको पता भी लग जाए कि आपकी कंपनी पीसीडी फ्रेंचाइजी पे काम करते हो या नहीं करते हो सकता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट आपसे वहां पे लेने की कोशिश करे वो, लेकिन फिर भी उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर रिजल्ट आ रहे हैं
तो फिर आप किसी भी कंपनी का अगर प्रोडक्ट बेच रहे हो तो डॉक्टर को या केमिस्ट को किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है ट्रस्ट बिल्ड होने में और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम मार्केट में देना पड़ेगा। एक बार आप उस बिजनेस को स्टेबल कर जाएंगे तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद करेंगे ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।